मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme Narzo 60X। और भाई साहब इसकी डिजाइनिंग ना बहुत ही कमाल की है, पर क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइनिंग है उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आपको हिडन फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपने स्मार्टफोन खरीदा है फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही चीज बोलोगे कि यार सच में हमारे पैसे जो लगे हैं वो वसूल हो चुके हैं। चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको बताते हैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर बताता हूँ। जैसे कि आप YouTube वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखते रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कभी आप किसी गाड़ी वगैरह के अंदर सॉन्ग वगैरह चलाते हो तो देखिए यहाँ पे मैं चीजें दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए अभी आपका ये चल रहा है, ठीक है, ये ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसको बंद करना है, ठीक है, और ये चलता रहना चाहिए, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब आपका म्यूजिक जो है वो बज रहा है, आपने बेक आ चुके हैं, मोबाइल को बंद कर लोगे तो भी आपके जो म्यूजिक है वो चलता रहेगा। ये आपको बताऊंगा YouTube प्रीमियम के अंदर होता है, पर आपको ये बिल्कुल फ्री में मिलता है आपके मोबाइल के अंदर। तो ये आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में ऐसा नहीं आ रहा है तो मैं आपको कुछ यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए सेटिंग्स के अंदर जाना है, नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद ये देखिए स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसको ऑन कर लेना है, फिर दोस्तों आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। और यहाँ पे स्मार्ट साइड बार के अंदर दोस्तों जैसे कि मैं दिखाता हूँ और भी क्या क्या चीजें मिलती है। देखिए स्क्रीन शॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रीन ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस ऐप को ज्यादा यूज में लेते हो वो ऐप यहाँ पे अपनी मर्जी से रख भी सकते हो। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे फोटोज वीडियोज वगैरह छिपाने किसी ऐप के लॉक लगाना है या फिर किसी ऐप को हाइड करना है तो कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर जाना है, ऐप लॉक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे ऐप लॉक के ऊपर जाना है। अब किसी भी ऐप के लॉक लगाना चाहो वो लगा सकते हो, और यहाँ पे लगा लेना, सेटिंग के अंदर जाके लॉक लगा लेना जो भी आपको सही लगे, फिर दोस्तों आप किसी भी ऐप के लॉक लगा पाओगे। जैसे भी जाओगे यहाँ पे हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो, और यहाँ पर प्राइवेट ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सेट पासवर्ड कर लेके कोई भी फोटोज वीडियो वगैरह छिपाना चाहोगे आसानी से छिपा सकते हो, पासवर्ड थोड़े मजबूत लगा लेना ताकि कोई भी आसानी से खोल ना सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे पता होना चाहिए कि पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करता हूँ, क्या क्या यूज करता हूँ, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करता हूँ, तो भाई साहब आपके पास पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे जाना है। ये देखिए डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए मोबाइल यूज किया क्योंकि मेरा मोबाइल अभी एकदम नया है। तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर जाकर देखोगे कम से कम 4-5 घंटे तक आपने यूज किया है और 3 बार इसका लॉक खोला है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो लॉक के अंदर क्या क्या खोला है, देखिए ये खोला है या फिर और जो भी आपने खोला है वो यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से जैसे बैक जाएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा कि कौन कौन से ऐप के अंदर आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आए हैं, कितने नोटिफिकेशन आए हैं, वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और यहाँ से जैसे बैक जाएंगे देखिए 3 मिनट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर एक दिन की नहीं पूरे 1 महीने की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डिटेल देख लीजिए कि आपने कौन कौन सा ऐप कितना यूज किया है। मैं बताता हूँ जैसे कि सेटिंग्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, देखिए थीम्स मिल जाता है, फॉन्ट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, देखिए बड़ी छोटी करना चाहो, चेंज करना चाहो, अपनी मर्जी से कर सकते हो। और यहाँ से हम जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ पर आपको आइकन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपके फेसबुक वगैरह इनको चेंज करना है, जैसे कि फोटोज अभी कुछ इस तरह से है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखिए ये वाला कर दीजिए, या फिर कस्टम के ऊपर जाकर यहाँ पर ये देखिए चेंज कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जो भी आपको सही लगता है वो यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए जैसे कि आइकन को यहाँ पे बड़ा करना है, देखिए बड़ा कर सकते हो, छोटा करना है छोटा, अपनी मर्जी से इसको भी कर सकते हो। और जो ऐप के नेम दिख रहे हैं आप इनको हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। और यहाँ पे ऐप का नेम बड़ा छोटा करना है, देखिए मैंने बड़ा कर लिया, छोटा करना है छोटा कर लीजिए, जैसा भी आपको सही लगता है वो यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पे कलर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब कलर्स के अंदर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है। तो आप चाहते हो यार मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो यहाँ पे अपनी मर्जी से जैसे कि मैं यहाँ पे ये कलर करता हूँ, ठीक है, या फिर ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, बहुत सारे कलर है, अब दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का हो चुका है। तो जो भी कलर आपका फेवरेट वो कलर यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ से हम जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है ये देखिए, जैसे कि ये देखिए अभी राउंडेड शेप के अंदर यानी कि सब गोल गोल है, तो आप चाहते हो मुझे कुछ इस तरह से करना है तो देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है। तो आपको जो सही लगता है वो उसे
तो जो आपको सही लगता है वैसे कर सकते हो, क्योंकि इस स्मार्टफोन के पैसे आपने दिए हैं, तो आप अपनी मर्जी से इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो यार मैं इसे डबल टैप करूँ तो मोबाइल ऑफ हो जाना चाहिए, डबल टैप करते मोबाइल ऑन हो जाना चाहिए, तो ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है और यहाँ पर साइड में जाना है, मोर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, डबल टैप लोग इसको ऑन कर लीजिए और यहाँ पर इसको ऑन कर लीजिए। अब दोनों को ऑन करने के बाद क्या होगा, देखिए डबल टैप करूंगा स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और डबल टैप करते स्क्रीन ऑन हो जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ अगर आपके स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा। इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, मोबाइल नेटवर्क के अंदर जाना है, 5G इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसको पढ़ लेना, यहाँ पे बता रहा है कि आपको मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह की सेटिंग करनी है, यहाँ पे बहुत आसान सा तरीका है, इनको आप समझ लेना। और अगर आपके पास जियो की सिम है तो जियो के यहाँ पे ऐप के अंदर जाकर यहाँ पे कर लीजिए गेट स्टार्टेड के अंदर, फिर दोस्तों आप भी इजिली 5G चला पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आपको पता होगा इस स्मार्टफोन के अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, तो 120Hz 60Hz के अंदर कैसे कर सकते हैं, इसका एक्चुअल में फायदा क्या है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे सबसे पहले मिलता है डार्क मोड, यानी कि आप जब भी नाइट वगैरह में मोबाइल को यूज करते हो तो डार्क मोड को जरूर ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका मोबाइल ना पूरा एकदम ब्लैक हो जाएगा और इसे अच्छा भी लगता है, और दोस्तों इससे बैटरी भी काफी कम ड्रेन होती है। और यहाँ पे जैसे कि आप चाहते हो यार इसको कौन बार बार यहाँ पे लाइट मोड करेगा डार्क मोड करेगा, तो शेड्यूल के अंदर जाकर इसको ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, सुबह होते ही यहाँ पे लाइट मोड हो जाएगा और नाइट होती है ऑटोमेटिक डार्क मोड हो जाएगा, तो इसको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए इसको लाइट मोड कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और ऐसे जैसे नीचे जाओगे स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, नेचुरल कर सकते हो, विविड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अपनी मर्जी से कलर जो स्क्रीन है वो चेंज कर सकते हो अपनी आंखों के हिसाब से। और यहाँ से जैसे बैग जाएंगे यहाँ पे आई कम्फर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, अब इसको ऑन कर सकते हो। इसका क्या फायदा है, जैसे कि आप मोबाइल में ज्यादा चैटिंग वगैरह करते हो या फिर दोस्तों आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो मेरी तरह, तो यहाँ पे इसको जरूर ऑन कर लीजिए, इससे आपकी आंखें जो है वो खराब नहीं होंगी। और यहाँ से जैसे बैग जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्प्ले की साइज बढ़ा सकते हो, ये देख सकते हो फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो, वीडियो कलर बूस्ट दोस्तों ये आपके बहुत ही कमाल आ सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे सपोर्टेड ऐप के अंदर कर लेना है, जो भी आप ऐप को सपोर्ट कराना चाहते हो वो यहाँ पे कर लीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब वगैरह के अंदर। फिर दोस्तों क्या होगा, जब भी आप कोई वीडियो वगैरह देखोगे वो एकदम HDR के अंदर देखेगा, एकदम अच्छी क्वालिटी के अंदर देखेगा, तो उसको जरूर आप ट्राई कर सकते हो। यहीं पर नीचे देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, अभी हमने ऑटोमेटिक कर रखा है, तो यहाँ पे आप हाई कर सकते हो, स्टैंडर्ड कर सकते हो, यहाँ पे 120Hz पे करते हो, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर करने के बाद दोस्तों आपकी जो डिस्प्ले है ना भाई साहब बहुत ही स्मूथ काम करने वाली है। पर दोस्तों इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर बैटरी ड्रेन थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो अगर आपको बैटरी बचानी है तो आप यहाँ पे 60Hz पे रखिए, अगर आपको बैटरी की कोई परवाह नहीं है, आपकी बैटरी अच्छी खासी चलती है, तो 120Hz पे कर लीजिए, फिर दोस्तों आपका जो मोबाइल है काफी ज्यादा स्मूथ चलेगा। या फिर आपको मतलब बैटरी की चिंता है तो आप जब भी गेम खेलो या फिर कोई जरूरी काम करो तब आप इसको अप्लाई कर लेना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो यार मुझे ना एक ही स्मार्टफोन के अंदर दो अलग अलग ऐप चलाने हैं तो कैसे चला सकते हो। जैसे कि हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, अब यहाँ पे देखिए एप क्लोनर का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं जो भी आपको दो करने हैं, जैसे कि मैं फेसबुक आपको करके दिखा देता हूँ, मैं फेसबुक को दो कर लेता हूँ, क्लोन को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगेंगे और आपके जो फेसबुक है वो दो हो जाएंगे, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक फेसबुक एरा और एक फेसबुक एरा, इनको आप अलग अलग यहाँ पे नंबर से भी चला सकते हो। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स बताता हूँ, जैसे कि आपके कोई भी नोटिफिकेशंस आए हुए रहते हैं आप उनको क्लियर कर देते हो तो क्लियर हो जाते हैं, बाद में आपको याद आता है कि यार पता नहीं मैंने क्या जरूरी चीज क्लियर कर दी, तो दोस्तों आपके पास पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है। उसके लिए आपको एक सेटिंग को ऑन करना रहता है, या फिर आप चाहते हो कि यार ये जो बैटरी के परसेंटेज है मुझे बाहर दिखाने हैं, बैटरी का लोगो चेंज करना है, इंटरनेट की स्पीड शो करानी है, टाइम के साथ में आप यहाँ पे सेकंड्स भी देखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हो, उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस बार के ऊपर जाना है, टाइम दिख रहा होगा टाइम के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सेकंड्स को ऑन कर दीजिए। अब ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेकंड्स भी चलने लग चुकी है, और यहाँ पे बैटरी का जो स्टाइल है इसको चेंज कर सकते हो, ये देखिए ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जो आपको सही लगता है वो यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो बैटरी का लोगो शो ही ना हो तो यहाँ पे देखिए शो ही नहीं हो रहा है, तो आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको बैटरी के परसेंटेज मिल जाते हैं, अब बैटरी के परसेंटेज बाहर दिखाने हैं या फिर अंदर कर लेते हैं, अंदर सही लग रहा है, देखिए अंदर कर लीजिए। यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड इसको ऑन कर लीजिए, अब आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो शो होने लग जाएगी कि कितनी MB/s हमारा जो इंटरनेट है चल रहा है। और यहाँ से जैसे भी एक जाएंगे यहाँ पे मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे जाना है और इसको ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे कुछ भी क्लियर करोगे पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद हो जाएगी,
तो आपसे बाय चांस कुछ क्लियर हो जाते हैं फिर बाद में आपको पछतावा होता है, तो उसको एक बार ऑन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप चाहते हो यार ये हॉट एप्स हॉट गेम्स हमारे मोबाइल के अंदर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं, तो इनको यार डिलीट कैसे करें, क्योंकि यहाँ से ऐसे करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। तो उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इनको बंद कर दीजिए और यहाँ पे जो आपके हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स है वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे, देखिए कहीं भी आपको वो शो नहीं होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, कोई आपका दोस्त आपसे मोबाइल मांग लेता है कि भाई यार मुझे कॉल करना है, पर आपको शक है कि यार कॉल का बोलकर कोई दूसरी चीजें ना छेड़ ले, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, जिससे दोस्तों वो जब भी कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई करेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर देखिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह तो आप इजीली लगा ही सकते हो, पर हमें क्या करना होगा, सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है, सबसे नीचे जाना है, ऐप पिनिंग को ऑन कर दीजिए और इसको ऑन कर लेना है। अब इसको ऑन करने के बाद आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, लॉक नहीं लगा रखा तो यहाँ से अच्छा खासा लॉक लगा लेना। मैं तो आपके लिए मतलब ऐसे ही कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके, आप अपनी मर्जी से जो आपको लॉक सही लगे वो लॉक यहाँ पे लगा लेना। और यहाँ पर जैसे कि किसी ने कॉल के लिए मांगा है तो रेसेंस एप्स पे जाइए, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसको पिन कर दीजिए। अब ये पिन हो चुका है, अब आप इसको जितना चलाना चाहोगे चला सकते हो, यानी कि वो अगला वाला बात करेगा कर सकता है, पर वो बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा, किसी भी बटन को प्रेस करो बैक नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे बैक जाने के लिए क्या करना होगा, बैक बटन और जो रेसेंट सेव्स बटन इन दोनों को साथ में प्रेस करना है। तो यहाँ पे जब भी वो प्रेस करेगा तो यहाँ पे लॉक पूछेगा आपसे, तो वो जब भी आपको लॉक खुलवाने की बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो जैसे कि यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने के लिए, पर आपको डर रहता है कि यार वो कोई चीजें डिलीट ना कर दे, कोई मतलब हमारी पर्सनल चीजें कोई अपलोड ना कर दे गलती से, क्योंकि बच्चों को दोस्तों इतना पता नहीं होता है। तो दोस्तों जब भी आप बच्चों को फोन दो तो एक सेटिंग में आपको ऐसे करके देता हूँ कि वो दूसरा ऐप ओपन नहीं कर पाएगा, सिर्फ वही चला पाएगा और आपका कुछ भी चीज छेड़ नहीं पाएगा। तो जैसे कि हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद ये देखिए स्पेशल फीचर के अंदर जाना है, किड स्पेस, ये पर्सनल बच्चों के लिए ही बनाया गया है, गेट स्टार्टेड के ऊपर जाना है। अब आपको मतलब बच्चों को कौन सा ऐप ओपन करके देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं यूट्यूब कर देता हूँ क्योंकि हम ज्यादातर यूट्यूब ही देते हैं बच्चों को। नेक्स्ट करना है, टाइम लिमिट भी है, मतलब बच्चा कितनी देर तक हमें हमारी जो भी वीडियोस वगैरह वो देख सके, तो मैं 30 मिनट कर लेता हूँ या फिर 15 मिनट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर आप कस्टम भी कर सकते हो, मतलब टाइम सेट ही नहीं करना है तो यहाँ पे कस्टम कर दीजिए। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए जो आपको मतलब आई प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपके बच्चों की आंखें वगैरह खराब नहीं होंगी तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, अब यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो बच्चा वो कुछ भी नहीं छेड़ पाएगा, सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब ही चला सकता है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए किसी भी बटन को प्रेस करेगा कुछ भी नहीं छेड़ पाएगा, ऊपर से नीचे से कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ यूट्यूब चलाएगा, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपको फिर से एग्जिट होना है तो यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एग्जिट इसको कर दीजिए, फिर आपको यहाँ से लॉक पूछेगा और लॉक लगाकर आपका जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इसका भी आप जरूर फायदा उठा सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे यार मुझे बार बार वहां पे कैसे जाना होगा, तो यहाँ पे आप इसको ऐड भी कर सकते हो, यहाँ पे आपकी होम स्क्रीन के ऊपर ऐड हो जाएगा और जैसे इसके ऊपर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो है यहाँ पे किड्स मोड आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि नीचे के बटन आपको पता होगा इतने अच्छे नहीं लग रहे, मुझे एकदम आईफोन की तरह इस मोबाइल को बनाना है, तो इन बटन को कैसे हाइड करूं, तो इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और गेस्चर कर लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई बटन को हटा दोगे तो चलाओगे कैसे, तो भाई साहब इनको कैंसिल कर दीजिए, तुम्हारा भाई बताएगा कि कैसे चलाना है। तो यहाँ पे देखिए बटन नीचे हाइड हो चुके हैं, अब ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे होम स्क्रीन पे आ जाओगे और ऐसे करके रखोगे रेसेंट एप्स आ जाएंगे, तो इसे बैक वगैरह जाने में ना यार काफी ज्यादा मजा आता है, तो इन बटन को आप हाइड भी कर सकते हो। दोस्तों क्या आपको पता है इस मोबाइल के अंदर ना एकदम यहाँ पे आईफोन की तरह यहाँ पे एक मिनी कैप्सूल दिया गया है, जब भी हम चार्ज वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पर एकदम आईफोन की फीलिंग आती है। तो इसको ऑन कैसे करें, कैसे इसको ऑफ करते हैं, तो इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे रियलमी लेब का ऑप्शन मिल जाएगा, मिनी कैप्सूल के अंदर जाना है और यहाँ पर देखिए मिनी कैप्सूल को ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे बैटरी के स्टेटस, यानी कि जब भी हमारी बैटरी कम ज्यादा होगी तो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, वेदर के अंदर मतलब वेदर टेम्परेचर कैसा है वो भी यहाँ पे शो कराएगा, डाटा यूजेज यानी कि आपके पास 90% यहाँ पे डाटा यूज हो चुका है तो भी यहाँ पे शो कराएगा, या फिर स्टेप स्टेट्स मतलब कि आप मतलब दिन में कितने कदम चलते हो इसको ऑन कर लीजिए, फिर यहाँ पे ऊपर शो होता रहेगा। तो यार दोस्तों इनको जरूर ऑन कर लीजिए, इससे काफी अच्छा लगता है आपका मोबाइल। तो चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीन शॉट से रिलेटेड भी बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको पता होगा पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को हम प्रेस करते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, पर एक दो तरीका और बताता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे थ्री फिंगर्स ऐसे करेंगे तो भी स्क्रीन शॉट आ जाता है, और यहाँ पे स्क्रॉल का
ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि मुझे एक लंबा स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाऊंगा। ये देखिए मैं डन कर देता हूं, अब मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए हमने एक फोटो के अंदर इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले लिया है। पहले हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी या फिर अलग अलग स्क्रीनशॉट लेने पड़ते थे, अब हम एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। और एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको थ्री फिंगर से प्रेस करके रखना है। अब यहाँ पे आपको जितना भी मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, देखिए ऐसे कर लीजिए, जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। ये देखिए ड्रॉ कर सकते हो या फिर यहाँ पे काफी सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे। देखिए जिस भी शेप के अंदर आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ पे ले सकते हो। चलिए मैं आपको इस मोबाइल के और भी बहुत ही कमाल के फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है और गेस्चर एंड मोशन के ऊपर जाना है, स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के ऊपर चले जाइए। अब इसको ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमने मोबाइल को ऑफ कर रखा है, जैसे मैं ड्रो ओ करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अलग अलग एप्स भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बहुत सारे हैं। वी यहाँ पे ड्रो करोगे तो आपकी जो टॉर्च है वो ओपन हो जाएगी। म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ऐसे करोगे तो अगला वाला म्यूजिक आ जाएगा, तो इनको ऑन कर सकते हो। और भी यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर ओपन करना है, जो भी अपनी मर्जी से कराना चाहते हो उसको करा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यार आपको बताऊंगा, आपने यहाँ पे अपने पर्सनल एप्स रख रखे हैं, ठीक है, तो आपके बच्चे या फिर कोई भी इनको यहाँ से छेड़ देता है, इधर उधर कर देता है, तो आप चाहते हो यार इनको कोई भी छेड़ ना सके, जो हमने यहाँ पे ऐप यहाँ पे किए हैं इनको आप लॉक कैसे कर सकते हो। इसके लिए हमें स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के ऊपर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको ऑन कर दीजिए, देखिए इसको ऑन कर दीजिए, लॉक होम स्क्रीन लेआउट। अब यहाँ पर इनको कोई भी छेड़ नहीं सकता है, देखिए जो भी आपके यहाँ पे ऐप से इनको कोई भी नहीं छेड़ पाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल चीज बताता हूँ। जैसे कि हम मतलब मोबाइल को बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे इसको प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आप चाहते हो नहीं यार मुझे पुराने तरीके की तरह चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप ये बोल रहा है कि इसको दोनों को साथ में प्रेस करोगे तब बंद का ऑप्शन आएगा, तो आप चाहते हो नहीं यार मुझे पावर बटन प्रेस करूं तो ही बंद का ऑप्शन आ जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, पावर बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर दीजिए और यहाँ पर देखिए इसको कर दीजिए। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमें बंद का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से जैसे ही बैग जाएंगे तो यहाँ पे नीचे जाना है और देखिए ओटीजी कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी हम पेन ड्राइव वगैरह लगाओ तो इसको ऑन जरूर कर लेना, तभी आपके जो पेन ड्राइव वगैरह चलेगी, नहीं तो काफी लोग क्या करते हैं कि यार हमारे मोबाइल में पेन ड्राइव सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो पहले इसको ऑन करना है तभी आपकी यहाँ पे सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर देखिए बैकअप एंड रीसेट, यानी कि आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट करना चाहते हो, हार्ड रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। रीसेट फोन के ऊपर जाकर इरेज ऑल डाटा करोगे, फोन है वो फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे लॉक लगा लेना जो भी आपने लगा रखा है, और आपका जो फोन है वो फॉर्मेट हो जाएगा, तो इसके अंदर आपके जो जितने भी डाटा है वो सब कुछ डिलीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ कैमरा के फीचर्स बताता हूँ कि आपको कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कैमरा के अंदर देखिए यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दिखाता हूँ इसके अंदर जूम कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10x तक हम इजीली जूम कर सकते हैं, और जूम की क्वालिटी आपके सामने है। और यहाँ पर आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा गोरा वगैरह करना है अपने आपको तो यहाँ पे थोड़ा गोरा चिट्टा भी कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर्स मिल जाते हैं, अलग अलग फिल्टर्स के अंदर आप फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो साइज को, तो यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये यूट्यूब वाली साइज करना चाहते हो, फुल करना चाहते हो, जो भी साइज आपकी मतलब फोटो क्लिक करनी है वो यहाँ पे साइज कर सकते हो। एआई का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जब भी हम किसी चीज को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि इस चीज की फोटो क्लिक हो रही है। टाइमर ऑन कर सकते हो, यहाँ पे फ्लैश लाइट अगर आपके ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए एचडीआर को ऑन कर लीजिए, इससे आपकी जो फोटो काफी एचडीआर होने लग जाएगी। और यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप चाहते हो कि यार मुझे ब्लर के अंदर फोटोज क्लिक करने, जैसे कि पीछे सब कुछ ब्लर हो और यहाँ पर हमारी फोटो आए, तो यहाँ पे ब्लर को कम ज्यादा कर सकते हो, 2.8 पे आपको रखना है, यहाँ पे अच्छा खासा ब्लर हो जाता है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आप गोरा चिट्टा करना चाहो गोरा चिट्टा भी कर सकते हो। और यहाँ पर मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा। तो 50 मेगापिक्सल के अंदर क्या डिफरेंस है और नॉर्मल कैमरा के अंदर क्या डिफरेंस है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एक फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये हम क्लिक कर रहे हैं 50 मेगापिक्सल से, और ये हम क्लिक कर रहे हैं नॉर्मल कैमरा से। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाता हूँ, देखिए हमने नॉर्मल कैमरा से ये है, तो इसकी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डिटेल्स आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 3.4 MB की यहाँ पे फोटो आई है। अब यही मैं फोटो आपको जो हमने 50 मेगापिक्सल से क्लिक की थी वो दिखाता हूँ, ये देखिए 7.1 MB की। तो आपको इजीली पता चल रहा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब भी आपको कोई जरूरी फोटो लेनी हो तो 50 मेगापिक्सल के अंदर आकर ले सकते हो। और अगर मोर की बात करें तो यहाँ पे मोर के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, प्रो, पेनो, फिल्म, स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिलता है, टाइम लैप्स, ड्यूल व्यू वीडियो, यानी कि फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा
दोनों के साथ में आप वीडियो बना सकते हो। टेक्स्ट स्कैनर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो क्लिक करनी हो तो टेक्स्ट स्कैनर के अंदर कर लेना, काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाती है। और यहीं पर अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग हम 1080 के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं अगर ज्यादा एमबी के अंदर, और कम एमबी के अंदर करना है 720 के अंदर कर लीजिए। यहाँ पर भी आप गोरा वगैरह करना चाहो कर सकते हो। और वीडियो के अंदर जूम की बात करें तो इसके अंदर भी 10x तक जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट नाइट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप जब भी नाइट में फोटो क्लिक करो, रात में फोटो क्लिक करो, तो यहाँ पे नाइट मोड के अंदर आकर ही करना, क्योंकि अगर पीछे अंधेरा वगैरह भी रहेगा तो काफी ज्यादा उजाला हो जाएगा। तो यार ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए यूजफुल रहे तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो, आज हमारी वॉइस को पहली बार सुना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि ऐसी कोई भी वीडियोस आती है उनको मिस ना कर पाओ। हाँ, आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा फीचर अच्छा लगा वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।